सब्सक्राइब प्लीज। अगर मैं तुम लोग को ऑप्शन दूं और बोलूं कि तुम सिर्फ एक गाड़ी पिक कर सकते हो जिसमें से एक रहेगी अपनी साइबर ट्रक इलेक्ट्रिक और दूसरी रहेगी अपनी मर्सिडीज एएमजी जी वैगन पेट्रोल वाली, तो तुम इन दोनों में से कौन सी गाड़ी चूज करोगे मुझे कमेंट में बताओ। अब यार सवाल तो ये है, इन दोनों गाड़ियों में से मैं कौन सी गाड़ी सपोर्ट करूंगा? चलो इस सवाल का जवाब मैं अपनी मम्मी से पूछ के आता हूँ। मम्मी, ये दो गाड़ी दिखा रहा हूँ, इसमें से एक चूज करो, ठीक है? ओके बताओ। ये है, ये है, इसमें से कोई भी गाड़ी, ये वाली रेड वाली। पक्का? पक्का। क्यों? ये अच्छी नहीं लग रही, इसका लुक अच्छा नहीं है। इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ। So, हाँ, जैसा मेरी मम्मी ने बोला है वैसे होगा। मैं इस पूरे वीडियो में सपोर्ट करूंगा मर्सिडीज एएमजी जी वैगन को। सपोर्ट करने का ये मतलब है कि मैं दिल से चाहूंगा वो गाड़ी जीत जाए, चीटिंग नहीं करूंगा। समझे? समझ गए होंगे, समझदार होंगे। साइबर ट्रक के सस्पेंशन देख लेते भाई कैसे है, लेट्स गो। वैसे मैं बहुत ज्यादा स्पीड में नहीं जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि हमें इसकी ड्यूरेबिलिटी नहीं टेस्ट करनी है, इसके सस्पेंशन चेक करने, जो कि एक्चुअली में अभी तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आप लोग देखो इस वाले एंगल से, नाइस भाई। एक्चुअली ओके, व्हील कवर वगैरह निकला है, बट उससे उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, गाड़ी को कोई डैमेज नहीं आ रहा है, थोड़ी थोड़ी तो जंप कर रही है, बट एक्चुअली ओए साइबर ट्रक आराम से। भाई भाई व्हील कवर तो बहुत वीक है भाई इसके। ओके दिक्कतें आना स्टार्ट हो गई एक्चुअली भाई, और अभी तो पड़ाव बहुत बचा है एक्चुअली में, अब तो आए हैं 70 वगैरह, बट सस्पेंशन अभी तक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं यार, पानी वगैरह इजी पीजी। ओए भाई साहब साइबर ट्रक क्या। ओके भाई इसका ना लेफ्ट वाला एक्सेल जा चुका है इस वाले व्हील का, ठीक है, दिक्कतें बढ़ रही है साइबर ट्रक के लिए, बट समहाउ इसने कर लिया शायद, है ना, वो सामने बोर्ड है। ओके ठीक है, टेस्ट एंड यहाँ पे लिखा हुआ है, और ट्रक की क्या हालत है यार, मैं चला के देखता हूँ। भाई एक सस्पेंशन टेस्ट के बाद ये रहा तुम्हारा साइबर ट्रक, जो कि लिटरली पूरा कांप रहा है अभी, बट जो भी है चल रहा है तो पास करता है चैलेंज को। अब देखते हैं अपने जी वैगन के सस्पेंशन कैसे है। साइबर ट्रक ने जैसे तैसे रोग आके इस टेस्ट को पास तो कर लिया, अब जी वैगन कर पाएगी कि नहीं, लेट्स गो। देखो मैं बिल्कुल भी बायस नहीं हूँ भाई, मैं दोनों गाड़ियों को सेम लेवल पे टेस्ट करने वाला हूँ। ओके भाई ये तो ऐसे कूद रही है, पता नहीं क्या ही हो रहा है, इसके सस्पेंशन कुछ ज्यादा ही बम्पी है क्या। ओ भाई ना 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 जी वैगन, ये तो मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं किया था भाई, ये क्या देखने मिला हमें। ये जो चैलेंज है ना, इसको 99% गाड़ियां नहीं कर पाती है, तो चल भाई साइबर ट्रक कुछ ऐसा दिखा दे जो हम लोगों ने आज तक कभी नहीं देखा है। बाय द वे जो सामने रैंप दिख रहा है, मैं उस वाले रैंप को नहीं लेने वाला हूं, क्योंकि अगर उसको लिया तो चैलेंज राइट नाउ ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत ऊंचा है यार। हाँ, उसके बाद वाले रैंप को अपन लेंगे, ये जो रैंप है अपन इसको हिट करेंगे, लेट्स गो। भाई ये तो खुल गया लिटरली, ओ भाई एक्सेल वैक्सेल निकल गया बे, बट चल रहा है क्या? ओ नाइस, ये चल रहा है। ओ भाई अनएक्सपेक्टेड, हम चैलेंज में अभी बने हुए हैं गाइस, लेट्स गो। जो गाड़ी जितनी ज्यादा नीचे रहेगी ना, उसको उतने ज्यादा पॉइंट मिलेंगे, ठीक है, पॉइंट बेसिकली वो उतने ज्यादा स्कोर करेगी। ओ ना ना ना, ओ भाई फिर सीधा हो गया ये, ना भाई अब अटक गया मेरे हिसाब से ना। ओके मैं चला सकता हूँ इसको? ओ भाई ये अभी भी चल रहा है, लाइक सीरियसली एयरबैग तक खुल गया भाई इसके तो। ओके अगर ये जाएगा तो मैं इसको जरूर चलाऊंगा, लेट्स गो, चल। नाइस भाई ये एंड तक जाने वाला है, इसकी हालत तो बहुत खराब होगी बट ऑलमोस्ट एंड तक। ओके वो रहा उसका स्टॉप वाला साइन, तुम लोगों को दिख रहा होगा, और अब ये बंद हो गया, देख लो। सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। देखो भाई मर्सिडीज वालों, इज्जत का सवाल है, क्योंकि वो साइबर ट्रक जो है ना भाई, वो रोग आके एंड तक पहुंच ही जाता है, पूरा टूट जाएगा लेकिन एंड तक तो चल ही जाता है भाई, वो कुछ तो बात है भाई साइबर ट्रक में, है ना, देख लो तुम लोग, टूट टाट के एंड तक तो जाना ही जाना है। ठीक है अपन इस वाले रैंप को अवॉइड करेंगे और इस वाले को लेंगे, और भाई ये बहुत ज्यादा क्रेजी होता है। ओके भाई सीधा हो जा, कम ऑन प्लीज सीधा हो जा। नाइस इसका एक्सेल टूट चुका है भाई तेरे। ओके चल रहा है, नाइस हालत तो भाई एक रैंप के बाद ही बहुत खराब है, बट चल रहा है, बट कंट्रोल नहीं हो रहा यार एक्चुअली, इसका एक्सेल टूट गया ना तो कंट्रोल करना मुश्किल हो गया भाई साहब। कम ऑन मर्सिडीज साइबर ट्रक के आगे निकलना है अपने को, क्या कर रहे हो? तो भाई गया टायर ही गया, नाइस एक टायर सामने का जा चुका है, एक टायर पे भाई लंगड़े जैसे चल रहा है ये ट्रक राइट नाउ। कम ऑन पीछे के टायर में बहुत ज्यादा पावर है भाई, दोनों टायर गए देख रहे हो माफ कर दो बिना टायर के। ओ भाई नहीं, पीछे का भी टायर गया भाई, वो रहा साइबर ट्रक मेरे को दिख रहा है। कम ऑन मर्सिडीज कम ऑन पेट्रोल वालों की
इज्जत तेरे हाथ में है भाई। नहीं नहीं अटक गया वो, सीरियसली अटक गया। क्या हो रहा है ये, लाइक सीरियसली मुझे दिख रहा है यार साइबर ट्रक, थोड़ा सा बचा था और अब ये अटक चुका है, देख लो। बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि साइबर ट्रक जीत गया। दोनों गाड़ियों की हालत खराब होने वाली, जो कि जो पहाड़ है वो बहुत ज्यादा ऊंचा है। तो स्टार्ट करते हैं साइबर ट्रक के साथ, और बहुत स्लो स्टार्ट लिया है इसने लिटरली। भाई ऐसा लग रहा है रेंग के चल रहा है, कम ऑन भाई चल, क्या हिल क्लाइंबिंग करेगा रे तू, चल ना भाई। भाई बहुत स्लो जा रहा है ये। तो मेरे को नींद आ जाएगी भाई, लिटरली नींद आ जाएगी, कितना स्लो चल रहा है यार। यार ये तो मेरी स्कूल की पढ़ाई से भी ज्यादा बोरिंग है यार। इस बार थोड़ा सा मैंने इसको रन अप दिया हूँ, बहुत पीछे से स्टार्ट किया हूँ मैंने, ताकि थोड़ी स्पीड मेंटेन कर पाए। तो देखते हैं भाई, अब तो इसकी अच्छी खासी स्पीड है यार, मतलब 150 की स्पीड में चढ़ रहा है, तो क्या ये चढ़ पाएगा भाई। अब तो जेन्युइनली लग रहा है चढ़ जाएगा, अच्छी खासी स्पीड में चढ़ रहा है, कम ऑन साइबर ट्रक लेट्स गो। बट स्पीड में धीरे धीरे गिरावट आना स्टार्ट हो गई है, और हाँ गाइस ना ना ना, साइबर ट्रक ने तो घुटने टेक दिए भाई। मर्सिडीज बहुत लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई तेरे साथ, इस बार बिल्कुल धोखा मत देना, लेट्स गो। और भाई इतना मैं बोल सकता हूँ, साइबर ट्रक को पीछे से स्टार्ट करना पड़ा था, इसलिए जगह से पिकअप बनाया है, और स्पीड साइबर ट्रक से ज्यादा है भाई। और लिटरली लाइक सीरियसली भाई, इसकी स्पीड में उतना वो नहीं आ रहा है, डिप नहीं आ रहा है। कम ऑन कम ऑन, साइबर ट्रक हारने वाला है गाइस, 1 2 3 ओके, साइबर ट्रक पीछे हो चुका है। अब ये गाड़ी जितना भी चढ़ेगी ये सिर्फ टॉप पे जाने की चढ़ेगी, ओवरऑल चैलेंज ये जीत चुकी है, लेट्स गो। बट हम क्या टॉप पे जा सकते हैं यार, सीरियसली मुझे देखना है। इसका कूलेंट ओवरहीट होना स्टार्ट हो गया, ओवरऑल इंजन ही ओवरहीट हो गया है भाई। कम ऑन मर्सिडीज कम ऑन, धुआं निकलना स्टार्ट हो गया गाड़ी से, कम ऑन कम ऑन लेट्स गो। ना 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 ना, शिट भाई इंजन डैमेज हो गया गाड़ी का, सीरियसली फुल ओवरहीट हो गया इंजन। ये जो अंदर डरा सहमा सा लड़का बैठा है ना, इसका नाम है पप्पू, और जिस गाड़ी को इस जंप टेस्ट में पास होना है उसको इसकी जान बचाना जरूरी है। तो देखते हैं साइबर ट्रक हमारे पप्पू भाई की जान बचा पाएगा कि नहीं। सामने आप लोगों को दिख रहा है रैंप, और पप्पू भाई की जान साइबर ट्रक के हाथों में, लेट्स गो भाई। स्लो मोशन कर दूंगा मैं ताकि, ओहो हो भाई एयरबैग वगैरह तो बराबर खुले, देखो एयरबैग खुलने में कोई कंजूसी नहीं हुई है, पर ट्रक की हालत मुझे उतनी कुछ अच्छी लग नहीं रही, और पप्पू भाई तो गए ना भाई, इतने क्रेजी क्रैश से वो नहीं बच सकता, क्योंकि तुम देख रहे हो उसकी बॉडी कहाँ पे है अभी, वो लिटरली ट्रक के अंदर घुस गया है। पप्पू भाई मर गया, मतलब गाड़ी चैलेंज से बाहर। माफिया वाली गाड़ी है ना, तो विंडोज इसके टिंटेड है, बट हाँ भाई पप्पू भाई अंदर है, मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ, वो मस्त अंदर बैठा चिल कर रहा है। तो देखते हैं भाई जी वैगन क्या पप्पू की जान बचा पाएगी, लेट्स गो। थोड़ा सा स्लो मोशन वापस से हमने कर दिया है डैमेज देखने के लिए, और पप्पू के पैर नीचे क्यों निकल रहे हैं भाई, चलो कोई बात नहीं। और ओके नाइस, देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस गाड़ी ने बहुत अच्छे से लिया है डैमेज को, नाइस भाई 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 भाई, 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 भाई देखो ऑनेस्टली इस क्रैश में उसकी जान बचने के चांसेस थोड़े ज्यादा है, तो हाँ इस वाले पॉइंट को हमारी मर्सिडीज जीतती है। तो गाइस ये है फाइनल टेस्ट, जो कि दो टेस्ट जीती है अपनी मर्सिडीज और दो टेस्ट जीती है टेस्ला। तो भाई जो गाड़ी ये टेस्ट जीतेगी वो होगी अल्टीमेट विनर। 1 2 3 लेट्स गो, टाइमर यहाँ पे आ चुका है, तो देखते हैं कितने कम टाइम में टेस्ला इस खतरनाक ऑफरोड वाले मैप को कवर कर पाती है। और भाई स्पीड तो बहुत अच्छी खासी मेंटेन कर ली, और सारे इसके व्हील कवर निकल चुके हैं पहली जंप। ओ भाई साहब अनएक्सपेक्टेड, पहली जंप में गाड़ी के अच्छे खासे पुर्जे ढीले हो गए, ये बंद हो गई। हेलो भाई, ये पहली जंप के बाद ही बंद हो गई है गाड़ी, सीरियसली लाइक इसका इंजन, इंजन तो होता ही नहीं, सॉरी इलेक्ट्रिक मोटर बंद हो चुकी है, शेयरिंग काम कर रहा है बट मोटर खत्म। गाइस टेस्ला का जो सफर था वो यही तक था। अब देखते हैं जीप वैगन कैसा परफॉर्म करती है, 1 2 3 लेट्स गो। और तुम्हें सच बताऊं ना, तो मुझे ऑलरेडी एक विनर दिख रहा है, क्योंकि देखो जहां तक टेस्ला गई है अपनी मर्सिडीज उसके आगे तो जाएगी, और जैसी मर्सिडीज टेस्ला के आगे गई ये गाड़ी जीत जाएगी। बट देखते हैं भाई कुछ दिक्कत ना आ जाए रास्ते में, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। थोड़ा स्लो मोशन, ओ टायर निकल गया गाइस, अब दिक्कतें बढ़ने वाली है, अब लिटरली दिक्कतें बढ़ने वाली है भाई, टायर निकल चुका है, हमें टेस्ला के आगे जाना है। चलो चलो लेट्स गो। सो फाइनली वो गाड़ी जीती जो इस चैलेंज को जीतना डिजर्व करती थी, या फिर वो गाड़ी जिसको मैं सपोर्ट कर रहा था। मैं इस दुनिया का राजा हूं,
मैं तो पापा हूँ, पापा इस दुनिया का पापा। कुछ भी बोलो भाई, इस वाले चैलेंज ने सबकी सांसें अटका के रखी थी, बट जो भी था आप लोगों को मजा आया होगा। अगर मजा आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि आगे इससे भी अच्छा कंटेंट आएगा। मैं मिलूंगा कल एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आई एम एफ के आई एम साइनिंग आउट। मेरा चश्मा कहां है भाई, असली वाला? हाँ अब दिख रहा है बराबर से। वेलकम टू उत्तर प्रदेश में युवा नेता फ्रॉम पत्नी गली, लैंड ऑफ द गैंगस्टर्स फिल्ड विद बूमर्स एंड छपरीज। हाथ पे हाथ रख के करता हूँ मैं ग्रिप चेक, शर्ट पे कोट शाइन करता मेरा ड्रिप चेक, खींच के फोटो में स्क्वायर काट के कोट में हाथ जोड़ के खड़ा होता नहीं।